So let's now talk about the rationalization or double rationalization method. Rationalization हम जानते हैं मतलब क्या है इसका. तो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है. क्वेश्चन नंबर वन यानी ए पार्ट. x टेंडिंग टू 4 यानी x को अगर आप 4 पुट कर रहे हैं तो एक्चुअली ये 0/0 फॉर्म बन रहा है. बन रहा है ना, देखो ध्यान से, 4 पुट करने पर ये 0/0 फॉर्म बन रहा है. तो कोई फैक्टर ऊपर नीचे फैक्टराइज तो हो नहीं रहा, लेकिन रेडिकल साइन अवेलेबल है. यही पहचान है रैशनलाइजेशन करने की. तो रैशनलाइजेशन करने के लिए हमने क्या करा, 3 + √5 + x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे न्यूमरेटर रैशनलाइज हो गया और साथ के साथ ही डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज कर दिया, 1 + √5 - x / 1 + √5 - x से. तो सिंप्लीफाई करके ये बना. अब ध्यान से देखो, x टेंडिंग टू 4 ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर ऊपर नीचे जीरो बना रहे हैं, तो माइनस कॉमन लेकर के ऊपर नीचे काट दिया और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और आपके पास आंसर आ गया. दिस इज अ सिंपल प्रोसेस आफ्टर दैट. ठीक, तो इसी तरीके का क्वेश्चन हमने आपके सामने ये भी लिखा है, बी पार्ट. ध्यान से देखें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स अपॉन दिस थिंग. तो इसमें आपको सिंपल रैशनलाइजेशन करने की जरूरत है. 5 माइनस का एक्स माइनस रूट अंडर ऑफ 5 प्लस एक्स इंटू रूट अंडर ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ 5 प्लस एक्स, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रहा है ये. तो ये बन जाएगा कितना, x टाइम्स ऑफ रूट अंडर ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यानी 5 माइनस का एक्स माइनस ऑफ 5 प्लस एक्स. यानी क्या बनती है वैल्यू फाइनली, ये वैल्यू आ गई अपने पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टाइम्स ऑफ रूट अंडर ऑफ 5 माइनस का x प्लस रूट अंडर ऑफ 5 प्लस x डिवाइडेड बाय, अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये नीचे माइनस का 2x बनेगा. अब ये वाला x इस x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. अब x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, ऊपर बनेगा 2√5 डिवाइडेड बाय -2 एंड हेंस द आंसर विल बी माइनस ऑफ √5. हेंस द आंसर विल बी माइनस ऑफ अंडर द रूट ऑफ 5, राइट. तो ठीक है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन सी पार्ट में भी लिखा है. ध्यान से देखो, इसमें भी हमें रैशनलाइजेशन करने की जरूरत है, डबल रैशनलाइजेशन एज व्हाट वी डिड इन द पार्ट नंबर ए. तो ठीक है, ये आपके पास रिकॉर्ड में रहेगा. इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कर सकते हैं, सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है. सो मूविंग ऑन फर्दर, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन जिसके अंदर में डबल रैशनलाइजेशन की जरूरत है, यानी क्योंकि 0/0 बन रहा है. ध्यान से देखो आप, तो बेसिकली फिर दोबारा भाई 3 माइनस का रूट एक्स लिखा है, 3 प्लस रूट एक्स से मल्टीप्लाई, 3 प्लस रूट एक्स से डिवाइड, 4 माइनस का रूट अंडर ऑफ 2x माइनस 2 इंटू 4 प्लस रूट अंडर ऑफ 2x माइनस 2 लिखा, और फिर से 4 प्लस रूट अंडर ऑफ 2x माइनस 2 लिखा. इन दोनों को क्लब करो, इन दोनों को क्लब करो, तो एज अ रिजल्ट लिमिट x टेंडिंग टू 9 ऊपर क्या बनेगा, 9 माइनस का x इनटू 4 प्लस अंडर द रूट ऑफ 2x माइनस 2 ये आ गया एज इट इज डिवाइडेड बाय, ये क्या बनेगा, 3 प्लस रूट एक्स, तो एज इट इज आ जाएगा ये लिखा है, और नीचे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर देखेंगे तो क्या बनेगा, ये 4 माइनस ऑफ 2x माइनस का 2 यानी कितना बनेगा, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 माइनस का 2x यानी उसमें से 2 कॉमन ले लिया, है ना, 2 कॉमन ले लिया आपने, 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस का x आ गया अपने पास. ये बात समझ में आ रही, तो ध्यान से देखो, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हमने ऊपर लगाया, ये 3 माइनस का रूट एक्स इंटू 3 प्लस रूट एक्स नीचे एज इट इज ये छोड़ दिया, तो ये अच्छा 4 ये 16 आएगा, सॉरी दिस विल बी 16, तो 16 माइनस 16 प्लस 2 दिस विल बी 18, तो 2 टाइम्स ऑफ 9 माइनस का x आएगा यहाँ पर, तो ये एज इट इज आ गया 2 टाइम्स ऑफ 9 माइनस x, तो दिस इज द फैक्टर व्हिच इज क्रिएटिंग अ इंडिस्क्रिमिनेंसी, ऊपर और नीचे वो काट दिया, x टेंडिंग टू 9, अब 9 सब्स्टिट्यूट करें आप तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 माइनस का 2 इज 16, तो 4 और 4 8 आ गया ऊपर डिवाइडेड बाय 2 और 3 प्लस 3 इज 6, तो दिस इज 4, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 This is the final answer to this question. तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये चीजें आसान है, शायद समझ में इजीली आ रही होंगी सभी को.
फिर से डबल रैशनलाइजेशन दिस क्वेश्चन कैन बी डन अगेन इजिली. अब देखिए अगेन द एफ पार्ट इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू, फिर दोबारा आई हैव गिवन द सॉल्यूशन. अगर हम यहाँ पर x को 1 पुट करेंगे तो 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है. तो अगेन बस थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव है, एल्स अपार्ट डबल रैशनलाइजेशन ही फंडा है इस क्वेश्चन में. Am I right? चलिए. So here is another question. X tending to 1, फिर से 0 by 0 form बन रहा है और फिर से हमें यहाँ पर this doesn't seem to be a question of rationalization, but हाँ factorization का जरूर है. ध्यान से देखो, इसको denominator को हमने factorize किया तो ऊपर नीचे नीचे x minus 1 आ गया, root x minus 1, root x plus 1 दोनों तरफ create हो गया यहाँ पर नीचे, और ऊपर नीचे चीजें कैंसल आउट कर देंगे और आंसर आ गया आपके पास. करेक्ट.